Next question. Question says three blocks of masses m. अपने को मास दिए m, 3m एंड 5m आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग एंड पुश्ड एंड पुल्ड बाय अ फोर्स एफ ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर. टेंशन पी जो है यहाँ पे अपने को इन फर्स्ट स्ट्रिंग इज अपने को दिया हुआ है 16 न्यूटन. नेक्स्ट सिनेरियो है इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ इज चेंज एज गिवन बिलो. हमने इस बार m की जगह 5m पे लगा दिया है. देन द वैल्यू ऑफ पी डैश एंड क्यू डैश एल भी हमें बताना है. इस उस टाइम पे आपके टेंशन की वैल्यू क्या होगी. नाउ अगेन मुश्किल नहीं है सवाल. इस सवाल को ऐसे देखना है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहे हैं और तीनों आपका जब फोर्स इधर लगा है तो तीनों आपके एक साथ एक ही एक्सेलेशन से चलेंगे. विच मीन्स आपका एक्सेलेशन जो ए वन है जो आपका एक्सेलेशन ए उसकी वैल्यू आएगी एफ डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास. तो ये होएगा एफ नेट टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास विच इम्प्लाइज आपका एक्सेलेशन जो है वो हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस 3m प्लस 5m. तो ये हो गया आपका एफ डिवाइडेड बाय आपका 5 9m. ये आपका एक्सेलेशन हो गया है ना. नाउ अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पी की जो वैल्यू है वो 16 न्यूटन है. नाउ अगर इस पी को कंसिडर करेंगे कि अगर हमने इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लिया तो ये दोनों ब्लॉक भी आपके सेम एक्सेलेशन से जा रहे हैं. विच मीन्स आपका टेंशन एट पी उसका जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 3m प्लस 5m ब्लॉक को ए एक्सेलेशन से लेके जाना. इसका मतलब टेंशन एट पी जो है वो हो जाएगा आपका 8m मल्टीप्लाइड बाई ए. यह आपका टेंशन एट पी हो जाएगा. नाउ इसकी वैल्यू अपने को 16 न्यूटन दी हुई है. इसका मतलब हम लिख सकते हैं 16 विल बी इक्वल टू 8 ma विच इम्प्लाइज m की टर्म में आंसर निकाल लेते हैं. ए विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा. इसको हम अगर डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय m. यह आपकी ए की वैल्यू आ गई. नाउ इस केस में अभी नेक्स्ट केस में हमने क्या किया कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. नेक्स्ट केस में हमने क्या किया कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया. अब क्योंकि आपका मास तीनों का सेम है तो एक्सेलेशन जो होगा वो टोटल एफ नेट डिवाइड बाय टोटल एम वो आपका सेम रहेगा. सो ये एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस 3m प्लस 5m. तो आपका फोर्स जो है वो अभी भी टोटल आपका फोर्स एफ डिवाइडेड बाय 9m ही होगा. लेकिन अगर हम इस पी की बात करें तो इस केस में टेंशन एट पी जो होगी वो आपकी इस पी का काम इस ब्लॉक को ए एक्सेलेशन से आगे लेके जाना है. एक्सेलेशन सेम आएगा तो उसका काम हो जाएगा यानी कि पी डिवाइडेड बाय एम. सो इस केस में जो आपकी ये पी डैश है टेंशन एक मिनट यहाँ पे आपका होना चाहिए ऑलराइट इसका होएगा नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया. तो यहाँ पे जो आपकी टेंशन एट पी पे हम इसको लिखते हैं टेंशन एट पी डैश उसका काम होएगा ma. तो इसको अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू रख दें तो टेंशन एट पी इसकी वैल्यू आ जाएगी मास आपका m है मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेशन जो अभी हमने निकाला 2 बाय m. यानी कि इसकी टेंशन एट पी की वैल्यू होनी चाहिए 2 न्यूटन. हालांकि ये आपकी टेंशन एट पी आ गई. नाउ बात करते हैं टेंशन आपकी क्यू डैश पे जो आएगी क्यू इस पे जो वैल्यू आएगी उसका काम होएगा इन दोनों मासेस को ए एक्सेलेशन से लेके जाना. इसका मतलब ये होएगा ये आप लिख सकते हैं m प्लस 3m मल्टीप्लाइड बाय ए. यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 ma. ए की वैल्यू 2 बाय m आ चुकी है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 m मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय m. यानी कि टेंशन एट क्यू डैश ये जो आपकी टेंशन आई ये हो गई आपकी 8 न्यूटन. सो ये टेंशन आपकी होनी चाहिए 2 न्यूटन और 8 न्यूटन. लेट्स सी आपका कोई ऑप्शन है क्या 2 और 8. नहीं. सो इन दैट केस वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर. मेरे ख्याल है अगर इसको उल्टा लिखते हैं तो दिस वुड हैव बीन कंफ्यूज करने के लिए शायद ऐसा दिया हुआ है. सो ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम.